नमस्कार दोस्तों, हमारा यह भौतिक शरीर मूल रूप से 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें मुख्य रूप से धरती, जल, वायु, अग्नि व आकाश का सुमेल है। यह सभी तत्व 7 चक्रों में विभाजित हैं। इन 5 तत्वों व 7 चक्रों का संतुलन ही मानव जीवन को निरोग रखता है। पंच तत्वों का संतुलन बिगड़ने से कई प्रकार के रोग शरीर को घेर लेते हैं। पंचतत्व और मानव शरीर का आपसी संबंध। पृथ्वी अथवा मिट्टी मानव शरीर के सख्त व भारी हिस्सों जैसे हड्डियों, मांस, दांत इत्यादि का निर्माण करती है। जल का संबंध शरीर के तरल, ठंडे व नरम हिस्सों से है, जैसे खून, मूत्र, वसा व मांसपेशियों इत्यादि। अग्नि शरीर की गर्म व तेज प्रकृति से जुड़ी है, जैसे तापमान, रंग, नजर आदि। वायु सूखी व हल्की प्रकृति के तत्वों का निर्माण करती है। वायु शरीर के संचालन व गतियों, श्वास प्रणाली, आँखों का खुलना बंद होना से जुड़ी है। आकाश तत्व अपनी प्रकृति के अनुसार अंगों को अलग कर उनके बीच खाली तत्वों का निर्माण करता है। वायु तत्व की मात्रा कम हो जाने या बढ़ने पर गठिया, दर्द, लकवा व अकड़न इत्यादि विकार पैदा हो जाते हैं। अग्नि तत्व में गड़बड़ी होने पर दस्त, हैजा व खून संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। जल तत्व का संतुलन बिगड़ने से सर्दी, जुकाम, खांसी व बार बार पेशाब का आना जैसे विकार पैदा होने का खतरा बना रहता है। पृथ्वी तत्व बढ़ने से रसौली, जिगर, तिल्ली व मोटापा इत्यादि समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आकाश तत्व में अगर विकार पैदा हो जाए तो पागलपन, घबराहट, बेहोशी, गूंगापन व बहरापन आदि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बाहरी पंच तत्वों का मानव के भीतरी पंच तत्वों से संबंध। पृथ्वी अर्थात मिट्टी। अक्सर हम लोग अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने से मना करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया रहित मिट्टी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। मिट्टी का लेप मांसपेशियों का तनाव कम करने के साथ साथ त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे कील मुहासों को दूर करने में भी सहायक सिद्ध होता है। पेट के रोगों व खून में सुधार करने तथा दर्द व सूजन को कम करने के लिए मिट्टी का लेप किया जाता है। घर में छोटा सा बगीचा बनाना, पौधे लगाना सेहत के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। जल। शरीर की प्रत्येक प्रणाली जल से जुड़ी है। जल नाक, कान, गले को नमी प्रदान करता है। जल ही शरीर के जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है। जहाँ जल अर्थात पानी का सेवन शरीर के लिए लाभदायक होता है, वहीं इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से नुकसान भी हो सकता है। अलग अलग तापमान पर किया गया पानी का प्रयोग शरीर को अलग अलग फायदे पहुंचाता है। गर्म पानी मांसपेशियों के लिए लाभदायक होता है, वहीं गुनगुने पानी में शरीर को डुबोकर रखने से तनाव दूर होता है। ठंडे पानी की पट्टियाँ बुखार में लाभदायक सिद्ध होती हैं। अग्नि। शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा कम होने से पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है और दिल संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। सर्दियों के मौसम में हल्की धूप में बैठना फायदेमंद रहता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर सही रहता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। त्वचा रोगों, किडनी की समस्याओं, बालों व दांतों के लिए धूप में बैठना लाभदायक होता है। इसके उल्ट गर्मी के मौसम में शरीर में अग्नि की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए ज़्यादा देर तक धूप में बैठने से डिहाइड्रेशन हो सकता है। गर्भावस्था में डॉक्टर की सलाह से धूप में बैठने से कमर दर्द, थकान दूर होती है। वायु। वायु हमारे शरीर के लिए प्राण तत्व है। वायु यानी ऑक्सीजन की सही मात्रा ना मिलने से श्वास प्रणाली ठीक ढंग से काम नहीं करेगी, जिससे भोजन पचने में समस्या हो सकती है। फेफड़ों के लिए योगा करना व गहरी सांस लेना लाभदायक रहता है। आकाश।
आकाश अर्थात शून्य तत्व शरीर का संतुलन बनाने के लिए बेहद जरूरी है। शरीर व दिमाग को खाली छोड़ने से लाभ मिलता है, क्योंकि आज प्रत्येक मानव के जीवन में भागदौड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। ध्यान लगाने से तन व मन शांत हो जाता है और तनाव व चिंता से मुक्ति मिलती है। ध्यान लगाने से कई असाध्य रोगों जैसे ब्लड प्रेशर, दिल के रोगों व अनिद्रा से मुक्ति मिलती है। सो दोस्तों, यह थी पंच तत्वों से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।